नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव राम नायक के निर्देश पर छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 12 जून रविवार को ग्राम बहीगांव के गरिमा पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश स्तर में गठित की गई प्रदेश महिला पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण के बाद चर्चा परिचर्चा की। अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के द्वारा प्रदेश स्तर के महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व सदस्य सहित समाज की महिलाएं सम्मिलित हुई। सम्मेलन की शुरुआत बंजारा समाज के धर्मगुरु सेवालाल महाराज के छायाचित्र की पूजा अर्चना व आरती से किया गया। तत्पश्चात सम्मेलन में उपस्थित सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ व बंजारा गीतों से स्वागत करते हुए सम्मेलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मैं सदाशिव राम नायक, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत युवा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ का गठन है और उसके साथ साथ मातृशक्तियों को आगे लाने के लिए ये हमारा उद्देश्य है, तो महिला प्रकोष्ठ का भी गठन राज्य स्तर पर किया गया है। और आज ये कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में और उनके पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। और इस संगठन को गठित करने का एक मूल उद्देश्य ये है कि जहाँ पर महिलाएँ मातृशक्ति जिस समाज में जागृत होंगी, वो समाज बहुत जल्दी प्रगति करेगा, पल्लवित होगा, दिव्य भी बनेगा और भव्य भी बनेगा। इस उद्देश्य से महिलाओं को हमने आगे लाया है और मातृशक्तियों के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। हमारे समाज में जो वर्तमान परिस्थिति में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उसका भी निदान के लिए हम महिला शक्ति को आगे लाएंगे, क्योंकि माताएँ ही इसमें कारगर भूमिका निभा सकती हैं। दूसरी बात, महिलाओं में जो आत्मबल है और समाज को संगठित करने की जो ताकत है और समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त है, नशाखोरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी प्रतिबंधित करने के लिए उनकी एक अहम भूमिका है। उन सारी चीज़ों को सोचते हुए हमने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के महिला आज कोंडागांव जिले के बहीगांव में माननीय सदाशिव राम नायक जी के निर्देशानुसार बहीगांव में आज महिला शपथ ग्रहण का कार्यक्रम एवं मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के समस्त पदाधिकारीगण, युवा प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ के एवं अधिकारी कर्मचारी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। और यहां पर सफल कार्यक्रम शामिल हुआ महिला सशक्तिकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छी पहल की गई समाज में। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे समाज में होता रहे ताकि सबको एक शुभ और अच्छा संदेश जाता रहे। मैं श्रीमती संतोष अजमेरा, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ। आज हमारे महिला प्रकोष्ठ का प्रथम बैठक यहाँ पे बहीगांव में हुआ है, जिसमें हमारे समाज से जुड़ी हुई कई चीज़ों पे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है, जिसमें शिक्षा और जो हमारे समाज के कुछ गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने का बात कहा गया है। और शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिससे हम जीवन को अपने अच्छे सुचारू ढंग से चला सकें और महिलाओं को सशक्त कर सकें, आत्मनिर्भर बना सकें और समाज में जो छोटी मोटी विसंगतियां हैं उसे हम दूर कर सकें। ऐसा हमारे महिला प्रकोष्ठ में आज चर्चा हुआ है, शपथ लिया गया है और समाज के प्रति हम सभी निष्ठावान रहेंगे, ऐसा हम सभी उम्मीद करते हैं और सारे लोग मिलकर हम समाज को एक अच्छे दिशा की ओर ले जाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।